हरा गया मेरा पुत्र अतिकाय, पुत्र अक्षय भी मारा गया, खर दूषण का भी वध किया उन्होंने, यमलोक को कुटुंब सारा गया, और तुम मुझे नीति सिखाते हो। नीति यही कहती है कि भाई भाई का साथ दे, अगर एक भाई के हाथ कट जाए तो दूसरा भाई उसे अपने हाथ दे। रावण का भारी मोनोलॉग सुनकर कुंभकर्ण भाई का धर्म निभाने युद्ध भूमि की ओर चला। उसके आने से भूमि में भूकंप मचा और सेना में हड़कंप। विध्वंस बचाने के लिए विभीषण भागकर कुंभकर्ण को प्रणाम करने चला गया। प्रणाम तात, महाराज रावण ने लंका के हित में नहीं किया विचार, उनके आदेश से आए हैं आप, मेरी तरह होकर लाचार। राक्षस कुल की रक्षा करो वरना तय हमारा पतन है। रावण को समझाओ कल्याण का केंद्र राम जी की शरण है। विभीषण, माना भ्राता रावण से हुई है गलती, लेकिन रणभूमि की गति भावनात्मक बातों से नहीं चलती। तुमने अपना मार्ग चुन लिया, मैंने अपनी राह, तुम रहो श्री राम के साथ, मेरी है वीर गति की चाह। रघुनाथ की राह पर चलने वाले राक्षस कुल के भूषण कहलाओगे परम राम भक्त, किंतु रहोगे कलंकित विभीषण। अब शुरू किया लड़ना कुंभकर्ण ने, उसके कद के सामने पर्वत भी लज्जित हो जाए। वानर सेना, भालुओं, वीरों के प्रहार कुंभकर्ण के आगे रेत के कण जैसे लगते थे। उसकी एक एक हलचल से दोनों सेनाओं के सैनिक घायल हो रहे थे। राम ने सोचा समय गवाया तो दोनों ओर के कई वीर प्राण छोड़ देंगे, और श्री राम कुंभकर्ण के आगे धनुष लेकर भागे। कुंभकर्ण बोला, क्या राम भी डर गए थे देखकर हड़कंप, जो आने में हुआ इतना विलंब। मेरे आगे ना अंगद और ना सुग्रीव की चली, हनुमान भी लगे बस नाम के बाहुबली। बालक समझकर छोड़ दिया लक्ष्मण को, राम तुम्हें देख के प्रसन्नता हुई मन को। कुंभकर्ण, तुम जान पड़ते हो ज्ञानी और वीर, जितना ऊंचा कद है बातें उतनी गंभीर। ससम्मान उठाता हूं मैं अपना तीर, बहुत धर चुका हूं अब तक धीर। राम तुम करो प्रहार, तुम्हारे प्रहार को मेरा नमस्कार। यह कहकर कुंभकर्ण बड़े बड़े पहाड़ उठाकर श्री राम पर फेंकने लगा। राम जी अपने एक बाण से उन पहाड़ों को चकनाचूर कर देते। दोनों में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ विकराल युद्ध हुआ। राम जी को समझ आ गया कि इसका बल इसके भारी भरकम शरीर में है, यानी शरीर के हर अंग को शरीर से अलग करने पे ही कुंभकर्ण की हार होगी। जैसे ही कुंभकर्ण ने अपने दाएं हाथ से पहाड़ उठाया तो राम जी ने अपने तीर से उसका हाथ उखाड़ फेंका। फिर कुंभकर्ण ने अपने बाएं हाथ से पहाड़ उठाया, राम जी ने अपने तीर से उसका दूसरा हाथ भी उखाड़ दिया। इसके बाद रघुनाथ जी ने अपने एक तीर से कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का सर जाकर गिरा सीधे रावण के दरबार में। रावण हुआ भयभीत। यह थी राम जी की सेना की बड़ी जीत। सियावर रामचंद्र की जय। भाई का धर्म निभा गया कुंभकर्ण विद्वान, राम विभीषण और लखन करते सब सम्मान। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। राम स्वतः उदास थे कुंभकर्ण की मृत्यु पर। वह महाज्ञानी महाबली रावण के अहंकार की भेंट चढ़ गया। आज का